को इकट्ठा करने से नहीं। कहता है इसलिए बादलों की स्थिति ऊपर है जबकि समुद्रों की जगह नीचे होती है। समुद्रों की जगह नीचे होती है क्योंकि बादल पानी बरसाकर बादल जो है वो पानी बरसाकर बादल पानी बरसाकर दान करते हैं जबकि समुद्र पहले श्लोक का अर्थ है, कहता है कि जो है ना धन को दान देने से ही मनुष्य प्रशंसा बड़प्पन या मान सम्मान आदि प्राप्त करता है, धन को इकट्ठा करने से नहीं। धन इकट्ठा करके मान सम्मान नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसको जो है दूसरों के परमार्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जो है इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए आदि प्राप्त। धन को इकट्ठा करने से नहीं, इसलिए बादलों की स्थिति ऊपर है जबकि समुद्रों की जगह जो है वह नीचे होती है, क्योंकि बादल पानी बरसाकर दान करते हैं जबकि समुद्र पानी का संचय करते हैं, समुद्र जो है पानी को इकट्ठा करके रखते हैं। यह था हमारा पहला श्लोक। अगला है दूसरा श्लोक संख्या 2। अगले श्लोक में क्या कहता है, अधमा धनम इच्छन्ति, निम्न कोटि के लोग निम्न कोटि के लोग सिर्फ धन की इच्छा रखते हैं, सिर्फ धन की इच्छा रखते हैं।
मध्यम कोटि का व्यक्ति, मध्यम कोटि का व्यक्ति, मध्यम कोटि का व्यक्ति धन और सम्मान दोनों की इच्छा रखता है। धन और सम्मान, सम्मान दोनों की इच्छा रखता है, दोनों की इच्छा रखता है। वही एक उच्च कोटि के, वही एक उच्च कोटि के व्यक्ति के लिए, उच्च कोटि के व्यक्ति के लिए सिर्फ सम्मान ही मायने रखता है, मायने रखता है। सम्मान अधिक मूल्यवान है, उसके लिए सम्मान अधिक मूल्यवान है, मूल्यवान कहता है। आगे वाले श्लोक, श्लोक संख्या दो में कहता है कि निम्न कोटि के लोग सिर्फ धन की इच्छा रखते हैं और मध्यम कोटि का व्यक्ति धन और सम्मान दोनों की इच्छा रखता है। वहीं एक उच्च कोटि के व्यक्ति के लिए सिर्फ सम्मान ही मायने रखता है, वह केवल उसको मान सम्मान मिल जाए उसके लिए, वही जो है उसके लिए सम्मान अधिक मूल्यवान है, वही सबसे बड़ी धन है अर्थात पूंजी है। ठीक है, श्लोक संख्या तीन। कहता है गच्छन पीपी लिखो याति योजना, चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर लेती है, सैकड़ों योजन पार कर लेती है, किंतु न चलता हुआ गरुड़, गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता है, एक कदम भी गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता है। ठीक है, अर्थात कहता है, अर्थात क्या, निरंतर प्रयास करने से, निरंतर
प्रयास करते रहने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी कार्य सफल या सिद्ध हो जाते हैं। कहता है इसका यही संदेश है कि चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर लेती है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो वह कहां जाएगा। अर्थात निरंतर प्रयास करने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। अतः हमको अपनी मंजिल पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। चाहे जितना भी कठिन कार्य हो, वह कार्य बहुत आसान हो जाता है और हम उस कार्य में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।